कैसे हैं आप सभी? आज का हमारा ये 9th लेक्चर होगा। इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस देखा था, और इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका रूल क्या होगा पैसिव वॉइस का? सब्जेक्ट प्लस इजमर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें वर्ब की पैसिव वॉइस में मैंने आपको पहले भी कहा था, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, और इसमें इजमार ही लगेगा। जैसे पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में देखा था, इजमार आया था वहाँ पर भी, और इसमें बींग लग जाएगा। ठीक है, इसके साथ में, और इसकी पहचान वही होगी जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में देखा था, इसका पैसिव वॉइस में भी पहचान वही रहेगी, रहा है, रहे है, रहे है। ठीक है, ये इसकी पहचान रहेगी। तो इसको हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल से। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड, कपड़े धोए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आ गया क्लॉथ्स डायरेक्टली। इसमें इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट के साथ काम हो रहा है। ठीक है, इस मैंने आपको पहले भी बताया था पैसिव वॉइस में, जब पिछली लास्ट वीडियो में हमने किया था पैसिव वॉइस, उसको वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और दूसरा हमारा एग्जाम्पल, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेला जा रहा है। आई एम बीइंग बीटन, मेरी पिटाई की जा रही है। लेटर इज बीइंग रिटन, पत्र लिखा जा रहा है। वाटर इज बीइंग ड्रंक, पानी पिया जा रहा है। संदेश भेजा जा रहा है, मैसेज इज बीइंग सेंड। ठीक है, इस तरह से आपको पैसिव वॉइस को यूज़ करना है रूल के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसका हम नेगेटिव देख लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस में नेगेटिव। इसके नेगेटिव में सेम वही रूल होगा, बस इसमें इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम ऐसे ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इज एम आर के बाद नॉट इसमें आ जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, चलिए एग्जांपल से हम इसको समझा देते हैं। क्लॉथ्स आर नॉट बीइंग वॉश्ड, कपड़े नहीं धोए जा रहे हैं। ठीक है, मैसेज इज नॉट बीइंग सेंड, संदेश नहीं भेजा जा रहा है। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड, क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है। लेटर इज नॉट बीइंग रिटर्न, लेटर इज नॉट बीइंग रिटर्न, पत्र नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है, वाटर इज नॉट बीइंग ड्रंक, पानी नहीं पिया जा रहा है। और बच्चों, चिल्ड्रन, जैसे कि चिल्ड्रन आर नॉट बीइंग टॉट, बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको ये एग्जाम्पल्स देखने हैं। एग्जाम्पल्स हमने किसके हिसाब से देखा है? रूल के हिसाब से। आपको रूल को अच्छे से याद कर लेना, और उसकी पहचान क्या थी? रहा है, रहे है, रहे है। ठीक है, रहे हो, कंटिन्यूअसली इसमें काम होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। मिनट, नेगेटिव हमने देख लिया। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया भी था। इंटरोगेटिव होते हैं जिसके वाक्य में शुरू में ही क्या आ जाता है। ठीक है, और एक बात है जो बीच में से, जैसे कहाँ कहाँ कैसे, इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, तो हम इस इंटरोगेटिव में देखेंगे जो शुरू शुरू में ही क्या के वाले शब्द आते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, इसका रूल क्या होगा? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इज एम आर इसमें शुरुआत में लग जाएगा। ठीक है, इंटरोगेटिव में हमेशा, और बाकी का सेम रहेगा। एग्जाम्पल से इसको आप समझ लीजिएगा। आर क्लॉथ्स बींग वॉश्ड, क्या कपड़े धोए जा रहे हैं। इज क्रिकेट बींग प्लेड, क्या क्रिकेट खेला जा रहा है। इज वाटर बींग ड्रंक, क्या पानी पिया जा रहा है। इज काइट बींग फ्लॉन, क्या पतंग उड़ाई जा रही है। एम आई बींग स्कॉल्डेड, क्या मुझे डांटा जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको रूल के हिसाब से इसको यहाँ पर सेंटेंसेस हमने क्लियर कर चुके हैं, और आपको भी इस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं।
इंटरोगेटिव को हमने अभी देखा है, उसका नेगेटिव हम इसको करेंगे, ठीक है। इंटरोगेटिव इन नेगेटिव, इसमें इंटरोगेटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, ठीक है। चलिए, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, ठीक है, और इज एम आर शुरुआत में लग जाए, इंटरोगेटिव हो जाए तो वो, और नॉट हमारा सब्जेक्ट के बाद ही लगेगा। प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से आपको रूल बनाना है। और इसके एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। इज काइट नॉट बींग फ्लॉन, क्या पतंग नहीं उड़ाई जा रही है, ठीक है। इज वाटर नॉट बींग ड्रंक, क्या पानी नहीं पिया जा रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये इंटरोगेटिव नेगेटिव में सेंटेंस। तो चलिए आगे चलते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली, मैंने आपको डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में पहले बताया था, ठीक है, और अभी मैंने इससे पहले भी बताया था कि दो तरह के होते हैं हमारे, जो शुरुआत में क्या से क्या वाले इंटरोगेटिव होते हैं, और जो बीच में से पूछे जाते हैं, जैसे कि कहाँ, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, इस तरह के जो बीच वाले वाक्य में आते हैं, बीच में आते हैं, ठीक है, उसको डब्ल्यू एच फैमिली इंटरोगेटिव कहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो डब्ल्यू एच फैमिली होती है, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट, ठीक है। इसकी हिंदी बता देता हूँ, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ठीक है, इस तरह से आपको यूज करना है। इसका रूल को देख लेते हैं पहले। डब्ल्यू एच फैमिली, इसमें से कोई भी आ सकता है, मैंने इनके आपको हिंदी समझाए दिया है, ठीक है। प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। वेयर इज काइट बींग फ्लॉन, पतंग कहाँ उड़ाई जा रही है, ठीक है। हाउ इज वाटर बींग ड्रंक, पानी कैसे पिया जा रहा है। वाई इज मैसेज बींग सेंड, संदेश क्यों भेजा जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको रूल के हिसाब से हमने यहाँ पर सेंटेंसेस आपको समझाए हैं, तो इस तरह से आपको यूज़ करना है, अगर अगर आपको आपसे कोई भी सेंटेंस पूछ लेता है, ठीक है, तो आपको रूल के हिसाब से चलना है, आप को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली का हमने इंटरोगेटिव किया, इसके हम नेगेटिव को भी देखेंगे। ये रहा हमारा नेगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली नेगेटिव इंटरोगेटिव, ठीक है, या फिर डब्ल्यू एच फैमिली इंटरोगेटिव नेगेटिव भी कह सकते हैं, इसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव भी हम दोनों ही आएंगे। चलिए इसको रूल को देख लेते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमेशा इसमें इंटरोगेटिव में नोट लगता है, ये बात ध्यान रखना है आपको, ओके। चलिए एग्जाम्पल से समझा देते हैं। वाई इज काइट नॉट बींग फ्लोन, पतंग क्यों नहीं उड़ाई जा रही है, ठीक है। काइट हमारा क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया है, नॉट। वाई हमारा हो गया डब्ल्यू एच फैमिली, ठीक है, इस तरह से आपको रूल के हिसाब से चलना है। Why is message not being sent? संदेश क्यों नहीं भेजा जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गए ये सभी सेंटेंसेस जो जो हमने आपको समझाए हैं। चलिए आज का हमारा लेक्चर कंक्लूड होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले सेंटेंसेस देखेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आती है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अगर किसी भी कोई भी वीडियोस हमको बनानी है तो उसके बारे में हमें कमेंट करें, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके बारे में हमें कमेंट करें। मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले जल्द से जल्द हम अपना इंग्लिश लेक्चर कंप्लीट करें सभी, और फिर आने वाली वीडियोज़ में हम सभी लो लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।